जल्दी से नमाज या सर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने, अरे तुम्हारे यहां की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज छोड़ते हो, फिल्मों में बैठकर नमाज छोड़ते हो। हुसैनियों मुनाफिक मत बनो, पक्के हुसैनी बनो। फिक्रे हुसैनी को इख्तियार करो, फिक्रे ज़ैनब को इख्तियार करो। करबला में 72 जिस्मों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी ज़ैनब कहती है अब भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, अब भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नाना का फरमान है। आका ने फरमाया जिसने असर छोड़ दी उसके जिंदगी भर के आमाल बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐ नबी की बेटियों, अब तुम्हें बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो और अभी बहुत रोना बाकी है, इसलिए नमाज पढ़ लो, बाद में रोना। अल्लाह अकबर। बीबियों में से किसी ने कहा ज़ैनब वुजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम तो मिट्टी से किया जाता है, यहां तो पूरा खून ही खून है, हम कहां तयम्मुम करें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने खानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो, अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों ये नमाज है जो नबी के घर वालों ने, जिसे कभी तर्क नहीं किया, करबला में भी तर्क नहीं किया। मौला हुसैन ने सजदे में जान दी है, हुसैन